रहीम, आज के लेक्चर में हम 10th क्लास में एसकेपी के चैप्टर नंबर 3 वेरिएशन की रिव्यू एक्सरसाइज 3 में क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। तो नंबर 6 है, ए वेरीज जॉइंटली एज बी एंड द स्क्वायर रूट ऑफ सी। इसका मतलब है कि ए इज वेरीज जॉइंटली एज बी, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, आवर स्क्वायर रूट ऑफ सी मतलब ए इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ सी। ठीक है, तो इन दोनों को इक्वेशन को कंबाइन कर ले तो ए इज प्रोपोर्शनल टू b n to under root c। प्रोपोर्शनलिटी खत्म करने के लिए हम k लगाते हैं, तो a is equal to k b m to under root c, या k is equal to a divided by b m to under root c। अब हम अभी given है root of c and a is equal to 21 when b is equal to 5 and c is equal to 36। तो इस डेटा से मैं k मालूम कर सकता हूँ, k is equal to a हमारे साथ है 21 divided by b हमारे साथ है 5 और सी हमारे साथ है 36। तो k इज इक्वल टू 21 डिवाइड बाय 5 और अंडर रूट 36 हमारे साथ 6 के बराबर है। तो 2 3 6 और 7 3 21, तो k हमारे साथ आ गया 7 डिवाइड बाय 2 5 10। k की वैल्यू मालूम हो गई। अब फाइंड a, a मालूम कर ले तो a का इक्वेशन ये है, a इज इक्वल टू k b n टू अंडर रूट c when b is equal to 9 and c is equal to 225। तो a is equal to k हमने मालूम किया 7/10, b हमारे साथ है 9 और under root c under root 225। तो a is equal to 7/10 multiplied by 9 और under root 225 हमारे साथ बराबर है 15 multiplied by 15 या 15 square भी लिख सकते हैं, 15 square से 225 आता है। तो a is equal to 7/10 multiplied by 9 और स्क्वायर स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा तो इसी 15 आ जाएगा, 2 5s are 10, 3 5s are 15। तो a हमारे साथ बराबर है 7 3s are 21 multiplied by 9 divided by 2, या a is equal to 21 9s are 9 9 2s are 18 189 divided by 2। तो a की वैल्यू हमारे साथ मालूम हो गई और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। आप लोग मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।